राधे राधे मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है तिलकूट चतुर्थी। दोस्तों, माघ मास में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है उसी को हम तिलकूट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी या तिल चौथ कहते हैं। इस दिन संकट हरण श्री गणपति का पूजन किया जाता है और गणपति के भालचंद्र स्वरूप का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। भालचंद्र स्वरूप यानी जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है, इसीलिए इस चौथ पर भगवान श्री गणेश के साथ साथ चंद्रमा के पूजन का विशेष विधान होता है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणपति दूर करते हैं। दोस्तों, इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणपति पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल को ग्रहण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अभी तक महिलाएं अपने पुत्र की सफलता के लिए इस व्रत को जरूर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ मुहूर्त से। दोस्तों, साल 2019 में तिलकूट चौथ पड़ रही है 24 जनवरी 2019 को और चतुर्थी तिथि शुरू होगी 23 जनवरी 2019 को रात को 11:59 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 24 जनवरी 2019 को शाम को 8:53 पर। तो उदया तिथि में 24 जनवरी को पड़ने के कारण 24 जनवरी 2019 को ही तिलकूट चतुर्थी मनाई जाएगी। दोस्तों, 24 जनवरी 2019 को जो तिल चौथ पड़ रही है उसमें चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त होगा 8:20 पर। तो 8:20 पे चंद्रोदय के मुहूर्त का जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए अब देखते हैं तिल चौथ के दिन हमें किस प्रकार पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, तिल चौथ के दिन श्री गणपति का और चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन होता है और चंद्रमा को भी अर्घ्य देना जरूरी होता है। ये कार्य आप कैसे करेंगे? तो तिल चौथ के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक आप पटा धो करके उसे सबसे पहले साफ कर लीजिए। ठीक, उसे साफ करने के बाद उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाइए, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। फिर पाटे पर थोड़ा सा गेहूं रखिए और गणपति की प्रतिमा या फोटो को भी उसी पाटे पर रखिए। इसके बाद एक लोटे में पानी भर करके उसे पाटे पर रख लीजिए। फिर आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। तो पूजा की थाली में रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, थोड़े से गेहूं, गुड़, साबुत तिल, तिलकुट्टा और दक्षिणा के पैसे आपको रखने हैं। इसके बाद पाटे पर जो गेहूं रखे हैं, जो थोड़ा सा गेहूं आपने पाटे के आगे रखा है, वहां पर आपको चौथ माता का प्रतीक रखना है। तो अगर आपने चौथ बनवाई हुई है तब तो आप वही रख दीजिए, अदरवाइज आप चांदी की कोई भी चीज वहां पर रख सकते हैं चौथ माता के प्रतीक के रूप में। चांदी की चीज जैसे चांदी की अंगूठी रख दीजिए या फिर चांदी का सिक्का रख दीजिए, तो चौथ माता के स्वरूप में आप चांदी की कोई भी वस्तु को वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको पाटे के चारों तरफ, जिस पाटे पर आपने गणपति और चौथ माता को स्थापित किया है, वहां पे चारों तरफ आपको रोली से बिंदी लगानी है। इसके बाद लोटा जो जिसमें आपने पानी भर करके रखा है, तो उस लोटे पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और उसके ऊपर कुमकुम से 13 बिंदी आपको लगानी है। ये करने के बाद अब आप पूजन को शुरू कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले गणपति का पूजन कीजिए, गणपति को स्नान कराइए, जल का छीटा देकर के स्नान करवाइए, फिर उन्हें रोली से टीका कीजिए, फिर उन पर अक्षत अर्पित कीजिए और लच्छा चढ़ाइए, फूल माला अर्पित कीजिए और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे आप वहां पर रख दीजिए। तिलकूट का लड्डू बना करके गणपति जी को भोग लगाइए और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन कीजिए। बिल्कुल इसी विधि से फिर आपको चौथ माता का भी पूजन करना है, उन्हें नमन करना है। इसके बाद आपको कथा सुननी है। तो तिल चौथ की कथा सुनने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप हाथ में तिल, गुड़ और साबुत गेहूं लेकर के चौथ माता की कथा सुने। अगर आपके पास साबुत गेहूं नहीं है तो आप तिल गुड़ लेकर के भी कथा सुन सकते हैं। इसके बाद आप गणपति और अपने इष्ट देव की आरती कीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजा जो है वो पूरी हो गई। अब इसके बाद आप चाहें तो तिलकुट्टा को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लोटे में आपने पानी रखा है और हाथ में आपने जो तिल गुड़ और आंखें ली हैं यानी साबुत गेहूं लिए हैं, इन्हीं से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है जब चंद्रोदय का समय हो तब।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते समय आपको बोलना है, चांद हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोतियां रोहार, तिल चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। तिलकुट्टे पर रुपए रख करके इसके बाद आप बायना निकालिए और बायना अपनी सासू माँ को दीजिए, उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर सासू माँ आपकी वहां पर नहीं है तो उन परिस्थितियों में ये बायना आप जिठानी या ननद को दे सकती हैं। इसके बाद पहले तिलकुट्टा और फिर भोजन आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन चौथ माता या चांदी की जो भी वस्तु आपने अपनी पूजा में रखी थी वो वापस से संभाल करके आप रख लीजिए, और उसके अलावा जो सभी वस्तुएं हैं वो मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अगर तिलचौथ का उद्यापन करना है, तिलचौथ का उद्यापन जिस साल आपके घर में लड़के का जन्म हुआ हो या फिर लड़के की शादी हुई हो उसी साल किया जाता है। तिलचौथ का उद्यापन के दिन आपको क्या करना है, 3 पाव मतलब लगभग 750 ग्राम तिल और 1/2 किलो गुड़ लेकर के या गुड़ का बूरा लेकर के आपको तिलकुट्टा बनाना है, और इससे लगभग 1/4 किलोग्राम तिलकुट्टा आपका बन जाएगा। तो 13 सुहागिन महिलाओं को तिलकुट्टा खिलाकर भोजन कराया जाता है उद्यापन के समय, और सासू माँ को बायना दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 14 प्लेट में तिलकुट्टे की 14 ढेरियां बनाएंगे। इसके साथ सासू माँ के बायने के लिए साड़ी ब्लाउज श्रद्धा के अनुसार जो भी आपको उसमें पैसे रखने हैं तो ये सब रखेंगे और पूजा करेंगे। जैसे आपको हमने पूजा की विधि बताई है उसी विधि के अनुसार आपको पूजा करनी है, कहानी सुननी है और श्रद्धा पूर्वक चौथ माता को नमन करना है और उनसे विनती करनी है कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखिए। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बायना सासू माँ को देना है और उनसे आशीर्वाद लेना है, साथ में फल मिठाई वगैरह भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो बची हुई 13 ढेरियां हैं तो उन 13 ढेरियों से 13 सुहागिन औरतों को खाना खिलाते समय पहले तिलकुट्टा परोसें, फिर उन्हें विधिवत भोजन कराएं। खाना खिलाने के बाद विदा करते समय 1 प्लेट में थोड़ा तिलकुट्टा साथ ले जाने के लिए भी दें। तिलचौथ के उद्यापन के समय जब आप उन्हें भोजन कराते हैं तो भोजन में हलवा पूरी सब्जी मिठाई नमकीन आदि सभी उन्हें करवाना चाहिए, और घर पर बुला करके अगर खाना खिलाना संभव ना हो, क्योंकि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि 13 महिलाओं को आप घर पर बुला करके खाना खिलाएं, तो अगर घर पर बुला करके खाना खिलाने की संभावना ना हो तो आप क्या करिए, 13 जगह खाने की थाली निकाल करके और बांटने वाले बर्तन में मतलब कटोरी या प्लेट में आप तिलकुट्टा डाल करके 13 सुहागिनों के घर पर भी आप भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तिलचौथ के दिन पूजन कर सकते हैं, और अगर तिलचौथ का उद्यापन करना है तो आपको इस विधि के अनुसार कार्य करना होगा। तो चलिए हाथ में तिल गुड़ लेकर के और साबुत गेहूं लेकर के हम शुरू करते हैं तिल चौथ की कथा। दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिलचौथ का व्रत किया, 5 रुपए का तिल व गुड़ ला करके तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके तिलचौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और फिर उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर के वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सवास लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्या काम करती हो।
पति ने गुस्से में आकर पत्नी को एक कपड़ा धोने वाले धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी करके सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके पे पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछू? तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो वो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती दिखाई दे रहे हैं। उसे पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पूछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने के मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर के माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूंटी भरा तिलकुट्टा खाया है, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके पर रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई और सोचा कि घर पर हीरे जवाहरात भर चुके होंगे, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर की सफाई की और बहुत कोशिश की, लेकिन घर बहुत गंदा हुआ था और बहुत ज्यादा फैला हुआ था। जेठानी के पति को मालूम चला तो उसको भी बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर के चौथ के विनायक जी यानी गणपति से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने बोला, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, ये सब उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई की भी पांती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी ही सब पर करना। दोस्तों, इस दिन हमें कुछ चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
कौन सी हैं वे चीजें, अब हम ये देख लेते हैं। पहली चीज है, इस दिन हमें मूली नहीं खानी चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम मूली खाते हैं तो धन हानि की संभावनाएं हमारे जीवन में बनती हैं, तो इस दिन गलती से भी मूली मत खाइए। दूसरी चीज, इस दिन गणपति चतुर्थी माता और चंद्रमा तीनों का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तीसरी चीज, गणपति का जब आप पूजन करने बैठते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। चौथी चीज, गणपति के पूजन में आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि तिल के लड्डू, चूंकि तिलकुट चतुर्थी है तो तिल के लड्डू आपको जरूर रखने हैं। तिल के लड्डू चढ़ाने का नियम क्या होता है कि आप 10 लड्डू अगर आप बना रहे हैं तो 5 लड्डू आप गणपति को चढ़ाएंगे और 5 लड्डू ब्राह्मण को आप दान करेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इस दिन तिल के लड्डुओं का प्रयोग नैवेद्य में आपको जरूर करना है। चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि पूजन के दौरान गलती से भी गणपति के पीठ के दर्शन ना हो जाएं। दोस्तों गणपति के पीठ के दर्शन करना व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता को लेकर के आता है, तो इस दिन गणपति के पीठ के दर्शन गलती से भी ना करें। अगली चीज है, जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस व्रत के माध्यम से आपकी इच्छा भौतिक सुखों को पाने की है, तो उन लोगों को इस दिन गणपति जी पर बेल जरूर चढ़ाना चाहिए। बेल का एक फल होता है, तो वो बेल का फल आपको इस दिन गणपति पर जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अगर भौतिक सुखों की कामना है, गणपति पर बेल का फल जरूर चढ़ाइए। अगली चीज है, अगर आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इस दिन शक्कर मिली हुई दही में छाया देख करके गणपति पर चढ़ा दें। यानी आप सबसे पहले शक्कर मिली हुई दही लीजिए, उसमें अपनी छाया को देखिए और उसे देखने के पश्चात गणपति पर वो चढ़ा दीजिए। निश्चय ही आपके जीवन में जो भी मांगलिक कार्य रुक रहे हैं, अटक रहे हैं किसी भी कारण से, वो पूरे होंगे। अगली चीज है, पूजन में दूर्वा का प्रयोग जरूर करें, और सिर्फ गणपति के पूजन में ही दूर्वा का प्रयोग न करें, बल्कि चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देंगे उस समय भी उनके विधि विधान पूर्वक पूजन में आपको दूर्वा का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इन चीजों का आप इस दिन ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।